हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनिता चौहान के साथ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गोडविल के लर्नर्स क्लासेज में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी 1B, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1C, जिसमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से ये जांच करके बताइए कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है। क्वेश्चन नंबर वन में तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है, जांच कीजिए निम्न संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें √5, क्या दिया है √5, ये बताना है हमें कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जाए, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जाए या a/b के रूप में व्यक्त की जाए। ठीक है, तो जब हमने ये परिमेय संख्या मान ली तो √5 इक्वल क्या हो जाएगा, p/q, इसके अपॉन में 1 ले लिया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो p इक्वल आ जाएगा कितना, √5 × q, दोनों का क्या कर देंगे वर्ग, दोनों का क्या कर दिया वर्ग। तो p² बराबर आ गया हमारा 5q² p² बराबर क्या आ गया हमारा 5q². अब p² बराबर है हमारा 5q² को हमने क्या कर लिया, 5 से डिवाइड करके देख लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारा 5q² क्या है, 5 से डिवाइड है। जब 5q² 5 से डिवाइड है तो p भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है। एक बार और, √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने क्या कर लिया, p/q के रूप में व्यक्त कर लिया। p और q में जो घनिष्ठ गुणनखंड है वो है हमारा 1, यानी कि 1। p और q में कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्या है, केवल 1। तो p/q इक्वल क्या हो गया, √5, दोनों का क्या कर देंगे वर्ग, दोनों का क्या कर देंगे वर्ग, हो गया वर्ग। तो p² बराबर आ गया हमारा 5q² 5q² क्या है, 5 से विभाज्य है, तो p² भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, p 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे मान लिया 25 है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 से विभाज्य है, तो 5 भी क्या है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कर मान लिया कि p बराबर 5r के, p 5 से विभाज्य हो गया, तो p इक्वल का एक मान लिया 5r के, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो, दोनों ओर का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25r². ठीक है, यहाँ तो आ गया p² = 25r² और यहाँ था p² = 5q² के, तो दोनों को क्या रख देंगे इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, दोनों को क्या रख देंगे इक्वल, तो ये आ गया 5q² = 25r² 5 से 25 डिवाइड होगा, तो q² बराबर कहीं क्या आ गया 5r के, q² बराबर कहीं क्या आ गया 5r के। ठीक है, उसके बाद q² 5 से विभाज्य है, यानी कि 5r² हमारा क्या है, 5 से विभाज्य है, तो q² भी हमारा 5 से विभाज्य होगा, तो इसका मतलब q भी क्या है, 5 से विभाज्य है। भाई हमारा q² 5 से क्या विभाज्य है, तो q भी हमारा 5 से विभाज्य होगा, और यहाँ क्या था p 5 से विभाज्य, और यहाँ आ गया क्या q भी 5 से विभाज्य, और हमारे इन दोनों में घनिष्ठ गुणनखंड क्या था, केवल 1 था और कोई अंक था नहीं,
अब ये क्या आ गया हमारा स्टॉक उल्टा आ गया, जो हम लेके चले थे वन लेके चले थे उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया फाइव, यानी कि एक अंक और आ गया। तो ये क्या हो गया विरोधाभास, ये क्या हो गया विरोधाभास, ठीक है। तो इसका मतलब रूट फाइव हमारी परिमेय संख्या नहीं है, रूट फाइव परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है रूट नाइन, क्या पूछ लिया रूट नाइन परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो रूट नाइन भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, या रूट नाइन तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, और रूट नाइन का स्क्वायर रूट क्या होगा थ्री होगा, और थ्री क्या है हमारी परिमेय संख्या है, थ्री क्या है परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रूट फाइव का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो हमारा पॉइंट में आता है, और पॉइंट के बाद जो संख्या है डिजिट है वो लगातार आती चली जाती है, यानी कि शांत नहीं होती, अशांत यानी कि अनावर्त आवर्त रूप से लगातार आती जाती है, और जो आवर्त रूप से लगातार संख्या आती जाती है रिमाइंडर जो है शून्य नहीं आता, तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, वे क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो रूट फाइव क्या है हमारा परिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या, रूट फाइव क्या है अपरिमेय संख्या। और जो बाकी के क्वेश्चन है इसके आप सुन कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।